हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है जो ट्रांसफार्मर में ऑयल फिलिंग करने को लेकर के है। जैसा कि फ्रेंड आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ऑयल भरा जाता है, उसकी कॉइल को हीट होने से बचाने के लिए, साथ ही साथ उसमें नमी ना घुस पाए इसलिए भी ट्रांसफार्मर में ऑयल का यूज़ करते हैं, जिस कारण ट्रांसफार्मर में कूलिंग बनी रहती है और प्रॉपर उसका जो यूज़ है, ऑपरेशन है, वो बना रहता है। लेकिन जब कभी भी फ्रेंड ट्रांसफार्मर में ऑयल बहुत ज़्यादा दिनों से यूज होता रहता है तो वो जल जाता है। जल जाने से मतलब वो काला पड़ जाता है और उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मतलब वो प्रॉपर अपनी कैपेसिटी इफ़िशियंसी से वर्क नहीं कर पाता है, तो फिर ट्रांसफार्मर में ऑयल को चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि कैसे ट्रांसफार्मर में ऑयल चेंज होता है। ये 10 MVA का ट्रांसफार्मर है जो आप देख रहे हो, MVA मतलब मेगा वोल्ट एम्पियर, जिसमें टोटल 4500 लीटर तेल भरा जाएगा। 4500 लीटर मतलब जैसे आपके घरों में 500 लीटर की टंकी होती है ना, ऐसी 9 टंकियां इस ट्रांसफार्मर में भरी जाएंगी तेल भरने को लेकर के। तो फ्रेंड देखिए, ये जो तेल भरा जाना है ये पूरा अनलोडेड हो रहा है, स्टोर से ये पूरा तेल आया है ड्रमों में। टोटल 22 ड्रम है जो तेल, जिसमें ये तेल आया है, इन्हीं ड्रमों से तेल को ट्रांसफार्मर में भरा जाएगा। तो पूरी प्रोसेस देखते हैं। अभी ये जो सारे ड्रम है, 22 ड्रम, वो पूरे अनलोडेड किए जा रहे हैं हमारे सब स्टेशन में। तो सब स्टेशन में इन जो भी पूरा स्टाफ होगा, लाइनमैन स्टाफ, वो पूरा इन ड्रमों से तेल को पूरा ट्रांसफार्मर में भरा जाएगा। 2200 ड्रम है, 2200 ड्रम में आपको टोटल 4400-4500 लीटर के समथिंग टोटल तेल मिलेगा, वो पूरा तेल ट्रांसफार्मर टैंक में भरा जाएगा। तो देखते हैं ट्रांसफार्मर में तेल भरा कैसे जाता है, पूरा वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है ये अलग इसकी खासियत होती है। पहली खासियत तो ये होती है कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है ये इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर और हीट का कंडक्टर होता है, जिस कारण ये ट्रांसफार्मर में कूलिंग बनाए रखता है। और इसका यूज़ आप किसी और जगह यूज नहीं कर सकते हो। ये आसानी से ना तो जलता है, मतलब ये इनफ्लेमेबल भी नहीं होता है, और साथ ही साथ इसकी इफ़िशियंसी अच्छी होती है, ट्रांसफार्मर की ये दक्षता को भी बढ़ा देता है और कूलिंग बनाए रखता है, जिससे ट्रांसफार्मर ज़्यादा समय तक चल सकता है, नमी से बचाए रखता है। मतलब ये ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर के लिए। यदि ये नहीं रहेगा तो ट्रांसफार्मर में जल्दी जल्दी ब्रेकडाउन होंगे और कॉइल भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाएंगी, जिस कारण ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस भी बढ़ जाएगा। तो ये टोटल प्रोसेस है। अब फ्रेंड्स, हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ट्रांसफार्मर ऑयल की अनलोडेड करने में और उसका पूरा मैनेजमेंट करने में, मतलब पूरी अरेंजमेंट की थी कि इतना सारा टैंक, इतना सारा जो तेल है वो टैंक में हाथों से तो भरा नहीं जाएगा। तो फ्रेंड, हम लोगों ने मोटर लाई और मोटर से एक सक्शन पाइप जोड़ा जो ड्रम में डाल करके, उस आउटगोइंग जो पाइप है मोटर से निकला है टिल्लू पंप से, उसको ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर में डाला है और कंजर्वेटर से जो ऑयल है वो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में पहुँच जाता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो अभी आपने पीछे देखा होगा कि जो ये वंदा है वो टिल्लू के सक्शन पाइप को ड्रम में डाले हुए है और उसका जो आउटगोइंग पाइप है वो ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर में डाला गया है। ऊपर ट्रांसफार्मर के ऊपर एक बंदा चढ़ा है, लाइनमैन, वो आउटगोइंग पाइप को ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर में डाले हुए है और कंजर्वेटर से जो तेल है वो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में पहुंच जाता है। अभी आपको विजिबल दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं अभी आपको राउंड करते हुए दिखाता हूं कि कैसे जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो टोटल मेन टैंक में पहुंच रहा है। देखिए, ये बंदा सक्शन पाइप को ड्रम में डाले हुए है, ये जिससे जो टिल्लू पंप है या मोटर है वो पंप कर, मतलब वो इसको सक कर रहा है, खींच रहा है और पंप करके आउटगोइंग पाइप के थ्रू उसको कंजर्वेटर टैंक में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे होंगे, अब हम राउंड करके आपको बताते हैं और आगे कि कैसे जो तेल है वो डाला जा रहा है और बाकी जो स्टाफ है वो नेक्स्ट ड्रम को खोलते हुए, जिससे ज़्यादा समय नहीं लगे क्योंकि काफ़ी नाइट हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा स्पीड से भी काम चल रहा है, लेकिन फिर भी 22 ड्रम है। तो देखिए फ्रेंड, ये कंजर्वेटर है जो आपको टंकी जैसा दिखाई दे रहा है ऊपर, अभी आपको मैं और क्लियर दिखाई दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे जो तेल है वो भरा जा रहा है। अब देखना, आपको जो ऊपर दिखाई देगा ये देखिए, यही है कंजर्वेटर, एक टंकी जैसा है, और देखो ऊपर आपका एक लाइनमैन स्टाफ है जो कंजर्वेटर में ऑयल को ट्रांसफ़र करता जा रहा है और कंजर्वेटर से ही जो टैंक है, और कंजर्वेटर से ही जो तेल है वो ट्रांसफार्मर के मेन जो टैंक है उसमें पहुँचता जा रहा है। जब ये पूरा ट्रांसफार्मर में तेल भर जाएगा तो जो कंजर्वेटर में एक वाल सुई लगी होती है, मतलब एक टाइप से बोले तो स्केल पैमाना होता है, उसी से पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल टोटल फिल हो चुका है। देखिए, ये आउटगोइंग पाइप है, मतलब आउटगोइंग बॉल है, मतलब पाइप नहीं, मतलब मुलायम है, फ्लेक्सिबल है।
सो देखिए ये लाइन मैन स्टाफ है जो आउटगोइंग पाइप को कंजर्वेटर में डाले हुए है और इसी से जो तेल है वो पूरा मेन टैंक में ट्रांसफ़र होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि तेल कैसे ट्रांसफार्मर में भरा जाता है। देखिए पूरे इतने सारे ड्रम पड़े हुए हैं, अभी पूरे ड्रम ये भरे जाने हैं, जो जो भरते जा रहे हैं उनको खड़ा करते जा रहे हैं, जो अभी नहीं भरे गए हैं वो खाली पड़े हैं। देखिए फ्रेंड ये कंजर्वेटर टैंक है, जब ट्रांसफार्मर ऑयल पूरा भर जाएगा तो यहाँ पे जो सुई है वो पूरी हाई पे आ जाएगी, मतलब फुल पे आ जाएगी और फिर बंद कर देंगे हम तेल भरना। तो फ्रेंड इस तरीके से ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा जाता है, आपको समझ में आया होगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।